अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल फाइन शाइन। तो आज किचन के अलावा, किचन से हट के मैं अपनी बहनों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ छोटी छोटी टिप्स हैं वो शेयर करूंगी। और जैसा कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, बर्थडेज़ पार्टीज़ फंक्शंस वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को ना, ज़ाहिर है लेडीज़ को पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। इन्विटेशन आ जाते हैं, पहले से प्लानिंग करना पड़ती है हमने क्या करना है, क्या सोचना है। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है ना, वही इंसान दूसरों के साथ शेयर कर रहा होता है। जो हम अपनी लाइफ के जिस तरह के हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, छोटी छोटी टिप्स को हमने फॉलो किया हुआ होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, वही मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ। और उसी के साथ जो है ना, हमारी लाइफ का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से गुजरता है। तो होता ये है कि समटाइम अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे हमें फंक्शन आगे कोई, या घर की कोई फैमिली की शादी है, घर में शादी रखी हुई है, उसके लिए पहले ना अपना एक बजट क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके साथ बजट के साथ साथ आप एक लिस्ट बना लें। जब आप लिस्ट को मेक करेंगी ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और होता ये है कि हम ना बिना सोचे समझे, बस ठीक क्या जो 3 दिन का फंक्शन होता है, 5 दिन का होता है बाज़ घरों में, हम लोग कहते हैं कि भाई 5 दिन के ड्रेस बना लिए, 5 दिन की वो चीज़ें ले ली, तो ठीक है, दैट्स ऑल इनफ हो गया। लेकिन उसके बाद हम लोग जब बाज़ारों में जाते हैं ना, या मार्केट वगैरह में जाते हैं, तो होता ये है कि हम लोग बिना सोचे समझे, हमें समटाइम कुछ होता है कि कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, वो चाहे कोई कपड़े में हो, कोई जूते में हो, कोई ज्वेलरी में हो या बैग में हो, तो हमें चाहे उन दिनों में हमें वो ज़रूरत नहीं होगी उसकी, लेकिन हम उसको ना बस भाई अच्छी लगी है तो हम लोग ले लेते हैं, चाहे इवन के औरतों के लिए क्रोकरी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी किचन की चीज़ें होती हैं और किचन की चीज़ों का तो औरतों को क्रेज़ होता है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं, मैंने क्या क्या चीज़ लेनी है, क्या मेरे पास है। समटाइम होता है हमारे घरों से भी चीज़ें निकल आती हैं, और अगर आपके घरों में चीज़ें हैं, उसी को चीज़ों को मैनेज करें, जो नई चीज़ें लेनी है वो ले लें, तो वो सारा आपके लिए एक सेटलमेंट भी हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये होता है कि आप सबसे पहले अपना मेन चीज़ है बजट देखें कि हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, कम हैं, जितने भी हैं। और बजट में रह के अगर तो आपका बजट बहुत अच्छा है, आपके पास अच्छी हैंडसम अमाउंट है, और आपको पता है कि भाई मैंने अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ लेनी है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी अपनी चॉइसेस होती है, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है, उसी हिसाब से आपने लेना होता है। सबसे पहले अपना बजट प्लान करें, उसके बाद आप एक लिस्ट जो है वो बनाएं, मैंने ये चीज़ लेनी है। होता ये है ना बाज़ारों में जब भी, ताकि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें ना ख़रीदनी पड़े, और बाद में हमें ये होता है कि भाई मेन चीज़ तो मेरी रह गई है, उस दिन की फलाना चीज़ रह गई है वो मैंने नहीं ली, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। क्योंकि मैं जो है ना, काफ़ी अर्सा पहले थोड़ा सा, अब मैं काफ़ी मंथ से ये चल रही हूँ चीज़ देकर, अब ये कर रही हूँ मैं कि एक तो बजट अपने के प्लान के बताए हुए प्लान के मुताबिक चल रही हूँ, और दूसरा ये है कि मैं लिस्ट बनाए बिना अपनी चलती, चाहे वो घर की हो, ग्रोसरी की हो, जो भी हो, कुछ चीज़ याद आती है डायरी बना लें अपनी, अगर समटाइम हम चीज़ें भूल रहे होते हैं तो उसमें हम मेंशन कर लेते हैं, तो इस तरह से। तो ये है कि, और दूसरा ये है कि पहले अगर मैं चीज़ लेती थी ना, लेकिन हाँ कभी जो मुझे चीज़ पसंद आई बाहर गए ले लिया, चाहे वो बैग हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है। और लेकिन पहले भी अगर मैं कोई चीज़ लेती थी तो वैसे ही नहीं उठा लेती थी। हाँ, आज से कोई 18 साल पहले वो एक बंदे में मैच्योरिटी नहीं होती, तो वो जो चीज़ लेनी है लेनी है, बस वो थोड़ा सा माइंड सेट ये होता था। लेकिन उसके बाद फिर जो भी चीज़ें मैंने लेना शुरू की, उसमें मेरा फिर भी होता था नहीं भाई, अब मैं ना सेल में से लूँगी, सेल में से मतलब अगर फर्स्ट करें, हाँ क्वालिटी पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, समटाइम्स की अगर क्वालिटी अच्छी हो, और आप यकीन करें अगर अच्छी क्वालिटी के ऊपर आप पैसे ज़्यादा लगा देंगे ना, तो वो चीज़ें बार बार चलती हैं और वो ख़राब भी नहीं होती। अगर आपको क्वालिटी अच्छी ना मिले आपको और उसके पैसे खर्च कर लें, तो वो फिर अफसोस भी होता है कि भाई हमारे पैसे वेस्ट हो गए, और वो चीज़ें भी एक से दूसरी दफ़ा वो उनके यूज़ करने के दिन में होता। तो होता ये था कि आपकी कोशिश क्या करें कि भाई अगर आपने कोई कपड़े लेने या बैग लेने, देखो हर ब्रांड का अच्छी लग रही होती है, पहले 20% और 40% और 50%, अगर ये भी कपड़े आज आपको 8,000 का मिल रहा है ना, सोच तो आपको सेल में भी तीन करके 5,000-4,500 की एडवांस भी मिल जाएगा, तो फिर आपको उससे जल्दी हो पाएगी थोड़ा सा ले लें। आज लोग करते हैं
कोई भी संपर्क होता है, हम जो मर्जी खाई जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं,